हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे ज़ीरोडॉल पीटी टैबलेट के बारे में, इसके यूजेस, साइड इफ़ेक्ट्स एंड प्रिकॉशंस के बारे में। इसके यूजेस क्या क्या है, ये हम यूज़ कर सकते हैं पेन में, कोई भी पेन हो, मसल पेन होती है, और आर्थराइट्स में, जैसे कि आर्थराइट्स की पेन होती है, जॉइंट पेन होती है, उसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके मेडिसिनल बेनिफिट्स क्या है, ये पेन और स्वेलिंग को कम करने में हेल्प करता है, ये ब्लॉक करता है हमारी बॉडी के केमिकल सब्सटेंसेस को जो कि कॉज करते हैं पेन और फीवर, ये हमारे पेन और इन्फ्लामेशन को कम करने में हेल्प करता है आर्थराइटिक कंडीशंस में, क्योंकि ये इंक्रीज़ करता है एंटीबायोटिक पेनिट्रेशन और ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करता है इंजरी जहाँ पे हुई हो उस साइड पे। इसमें पैरासीटामोल है, जिसका एक फ़ायदा ये है कि इससे स्टमक पेन कम होती है एज़ कम्पेयर टू एस्प्रिन, इसलिए इससे कोई भी एज वाले टॉलरेट कर सकते हैं। इससे क्विक रिलीफ मिलता है पेन में, से हम फीवर और आर्थराइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या है, नौजिया हो सकता है यानी वॉमिट जैसा फील होना, वॉमिटिंग हो सकती है, स्टमक पेन, इनडाइजेशन हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख ना लगना, ड्राइनेस इन द माउथ यानी मुंह सूख जाना, प्यास ज़्यादा लगती है, डिजीनेस यानी कि चक्कर आ जाना, स्लीपीनेस, ज़्यादा नींद फील होना, हार्ट बर्न यानी कि हार्ट में जलन सी फील होती है, लीवर टॉक्सिसिटी यानी कि हमारा जो लीवर है वो इन्फ्लामेटेड हो जाता है, इन्फ्लामेशन होती है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है, नमनेस और टिंगलिंग, नमनेस मीन्स कि सुन हो जाना, इंसान को लगता है कोई पार्ट सुन हो गया, उसमें जान सी नहीं बची है, और टिंगलिंग, टिंगलिंग मीन्स जैसे कि प्रिकिंग सेंसेशन आ जाती है, ऐसा लगता है कि सुई चुभ गई हो। इसके प्रिकॉशंस क्या क्या है, अगर आप अल्कोहल यूज़ करते हैं तो उसके साथ आप ये मेडिसिन यूज़ ना करें, क्योंकि इससे आपको लीवर डैमेज हो सकता है। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में डॉक्टर के कंसल्टेशन के बिना ये मेडिसिन यूज़ ना करें, और ड्राइविंग से पहले भी ये मेडिसिन यूज़ ना करें, इससे आपको नींद आ सकती है। और अगर आपको किडनी या लीवर प्रॉब्लम्स है तो डॉक्टर के कंसल्टेशन के बिना ये मेडिसिन यूज़ ना करें, इससे आपको सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती है। और अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।